के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल अरे अरे जरा संभल के कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा गिर पड़ो। दोबारा? पहले कब गिरी थी मैं? भूल गई, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ओहो, क्या हो गया है नाजुक, जरा याद करो, तुम पहली बार मेरे प्यार में नहीं गिर गई थी? अलाउद्दीन बहुत मजा आया है आप। भाई होना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि आजकल की लड़कियां सीरियस लड़कों को पसंद नहीं करती हैं। हाँ ये बात तो है। कैसा लगा? क्या? अरे भाई घर? बहुत अच्छा। तुमसे? पापा? हा? अरे अरे मेरा बच्चा किरण कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे और कब आए? तुमसे पहले? अरे मुझे पता है आप दुनिया में मुझसे पहले ही आए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप यहाँ कब आए? अच्छा यहाँ? यहाँ तो नाजुक का प्यार मुझे खींच लाया है। नाजुक? कौन नाजुक? अरे भाई ये नाजुक जिसने मेरे नाजुक सा जवान दिल चुरा लिया है। क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आई। और ये लड़की कौन है? ओहो ये लड़की तुम्हारी होने वाली मम्मा है। हाँ, कैसी लगी? पापा आप चले, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे नहीं भाई, मुझे जहेज वेज की बात कोई नहीं करनी फिलहाल अभी। मुझे जहेज की कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। अरे है। नहीं भाई, मैं नाजुक मेरी अकेली रह जाएगी। नाजुक नाजुक मेरी अकेली रह जाएगी। अरे चले ना। अरे नाजुक पकड़ो मुझे, नाजुक पकड़ो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके शानू। तू फसाद की जड़ है। आप है? तू है? आप है? तू है? आप है? हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। आ गई ना अपनी लाइन पे, है? जो तू है वो तूने बता दिया। ओहो अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं? अरे मेरे सामने अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। क्या हो गया आपको? कैसी फंसने फंसाने की बातें कर रही हैं? ये कोई मेरी उम्र है फंसने की? अरे इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता। फिर किससे होता है? दिल से होता है। आपने अपनी ये फालतू बातें अपने पास रखे। अरे बातों की क्या बात करती है, मैंने तो फालतू लोग घरों में रखे हुए अपने। क्या क्या आप मुझे फालतू औरत कह रही हैं? मैं तो कुछ नहीं कह रही, तू खुद समझती है, तो तेरी मर्जी। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। ए अगर तू समझदार है ना, तू समझदारी का मुजाहरा कर, चल निकल टूकी कर। हाँ हाँ जा रही हूँ। ए बस सुन बुड्ढी बहू, तू वापिस आए ना तो मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेके आना। अल्लाह माफी, जाड़े और सर्दी में भी ना इस औरत को कोल्ड कॉफी चाहिए। हाँ, कब मरेगी ये औरत, कब जान छूटेगी? क्या आप दोनों सच कह रहे? हाँ देसी वाला सच कह रहे यार। बल्कि उसमें बाजी तो ये कह रही थी कि सुल्तान के बिना मेरे दिन अच्छे नहीं गुजर रहे। क्या बात कर रहे हैं हम दोनों, क्या उजवा मुझसे इतनी मोहब्बत करती है? क्या बात कर दी सुल्तान भाई आपने, आप अपने आप को आईने में देखे, भला आपसे कोई नफरत कर सकता है? हाँ हाँ ये बात भी, ये बात भी। मैं तो कहता हूँ सुल्तान भाई अपनी तमाम नाराजगियां खत्म करें और उन्हें फौरन घर पर ले आए। है? अरे भाई मैं कब नाराज हूँ उससे, वो तो खुद मुझे धुतकार के गई है। जबी तो आज पछता रही है, इसके अलावा एक और बात भी है। वो क्या? बता दूं? नहीं 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 नहीं, इतनी सारी खुशखबरियां हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता देना वरना सुल्तान भाई का दिल बैठ जाएगा। है? अरे भाई मुझे जल्दी बताए ना वरना मेरा दिल लेट भी सकता है। अरे भाई ये तो बहुत उतावले हो रहे, बता दूं क्या? बताए ना प्लीज, जल्दी बताए भाईजान। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाली खुशखबरी मुफ्त में नहीं मिलेगी। क्या चाहिए आप लोगों को? सोना हीरे जेवरात कैश। हैं? भाई इतना सब कुछ मैं नहीं दे सकता। अरे मुजाहिद भाई मजाक कर रहे थे, मुजाहिद भाई का कहने का मकसद ये नहीं था, बस वो तो ये चाहते हैं हमारी जेब हल्की फुल्की गर्म कर दें। ये बात है। हाँ। तो चले आए आप लोग मेरे साथ, बाहर आए। अबे बाहर क्यों भाई, यहीं दे देना। अरे भाईजान आप समझे नहीं, भाईजान हमें बैंक लेकर जा रहे हैं। बैंक लेकर जा रहे? अबे तुम लोगों का दिमाग रिवाज तो ठीक है, मूंगफलिया कब बैंक से निकलने लग गई? क्या मतलब? अरे वो आप लोगों की जेब गर्म करनी थी ना। ओ भाई मुझे लगता है ये मूंगफलियों से हमारी जेब गर्म करने वाला है, चल आ जा यहाँ बात नहीं बनेगी। आप लोग क्या समझे?
वो चल भाई, इसको कुछ नहीं बताना। अरे 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 क्या हो गया भाई, आप लोग तो नाराज ही हो गए। नाराज होकर ना जाए तो क्या करें, आपसे जेब गरम करने का आप मूंगफलियां दे रहे हैं, हमारी पेट की गर्मी नहीं जेब की गर्मी है। चले भाई चलते हैं बाहर। अच्छा अरे मेरी बात तो सुनो एक मिनट। ओबे यार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। पापा, इस उम्र में एक जवान लड़की से शादी करेंगे आप, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो काम ही है कुछ कहना, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, अगर आपने शादी करनी है तो कम से कम अपनी उम्र की खातून से करें। अरे अरे किरण, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे मुझे किसी खूबसूरत बीवी का साथ चाहिए, ना कि मरीज का। पापा वैसे ना ये फेसबुक की दोस्ती अच्छी नहीं होती। सही कहा, दोस्ती वैसे भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट शादी कर रहे हैं। आपका ये फैसला गलत है। ये तुम कैसे कह सकती हो, उस वक्त तुम्हें कोई एतराज नहीं था जब मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी कर रहा था, और उस वक्त तुम कहीं नजर भी नहीं आई है। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या जज्बात में मैं क्या कह रही है। बहरहाल हमने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि मैं और नाजुक एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। कर ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा तो मैं अब समझा कि तुम क्यों रोक रही हो। क्यों रोक रही हूँ? वो इसलिए कि तुम्हारी जायदाद तकसीम ना हो जाए, बंटवारा ना हो जाए, और नाजुक के हिस्से में तुम्हारी जायदाद ना चली जाए। पापा आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा रवैया मुझे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप प्यार में अंधे हो रहे हैं। और तुम लालच में, और इतनी अंधी हो रही हो लालच में कि तुम्हें अपने बाप की खुशी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मुझे ये बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। होना भी चाहिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे। क्या बात कर रही हो, सच में? 100%। और तो और लड़की भी राजी है। बड़ी बात है भाई, क्या किस्मत पाई अलाउद्दीन ने, या हमें हमारी उम्र की नहीं मिल रही और उस पर लड़कियां मर रही। क्या मतलब, आपने किसी पे कभी ट्राई किया था? अरे ट्राई तो मैं आज तक कर रहा हूँ, लेकिन नसीब मेरा साथ ही नहीं दे रहा। आप किसी गलत जगह पे तो नसीब नहीं आजमा रहे अपना। अब ऐसी बात भी नहीं रुकेगा, तुमने तो हमें बिल्कुल हल्का लिया हुआ है। अरे मैं क्यों लेने लगी आपको हल्का? अच्छा ये बताओ लड़की कहाँ की, बाकी बातें छोड़ो तुम सब। पता नहीं, होगी कहीं की। अच्छा कब कर रही है शादी? बहुत जल्द। ऐसे एक बात कहनी है, रुकिए पूछोगी नहीं क्या? अरे आईजी साहब मुझे सब पता है आप क्या कहना चाहते। अच्छा तो बताओ फिर। नहीं मैं नहीं बताना चाह रही। शर्मा क्यों रही हो, बता दो ना। अरे भला मैं क्यों शर्माऊंगी, आप बस ये देखे दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वो तो पता चल ही रहा है। खैर मैं आके अलाउद्दीन से बात करता हूँ। किस बारे में? यही कि अपना सीन ऑन कर रहे हो, भाई मेरा भी तो कुछ कराओ। किससे? अरे वो तो मैं उसी को बताऊंगा, तुम बस देखती रहो। चलो रखो फोन अब। आए, आए, मार डाला जालिम। ये आदमी ना बहुत ढकी छुपे अल्फाज में बहुत कुछ कह जाता है, करना पड़ेगा इसका कुछ। आप उस अलाउद्दीन कबाड़ी से शादी करोगी? कबाड़ी? कबाड़ी थे ना पहले वो। मुझे तो उन्होंने अपना स्क्रैप का बिजनेस बताया था। अरे क्या बात कर रही हो, स्क्रैप का बिजनेस कबाड़ी तो करते, पावरची थोड़ी करते। अच्छा मगर अब उनका जेक लग गया, किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हो गई, शेरशाह कबाड़िया बाजार से सीधा अमेरिका। अच्छा इसका मतलब कि वो तो बहुत लकी हैं, तभी तो इतनी जल्दी तरक्की कर ली। तरक्की तो हम भी कर लेते, मगर मगर क्या? दुकान नहीं मिली। अगर दुकान मिल जाती तो हम भी वहाँ मेहनत करके प्लाजा खड़ा कर देते, और फिर आप जैसी खूबसूरत कंची आंखों वाली लड़की हमसे भी शादी कर ले। आप लोग भी मेहनत करें, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा फिर। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछें, लेकिन अगर बुरी लगी बात तो मुंह पर सुना दूंगी। वो भाई ख्याल से पूछियो, कहीं गंदी सुना दे। मैं पूछना चाह रहा था, आप इतनी खूबसूरत स्मार्ट, आप अलाउद्दीन अंकल से क्यों शादी करना चाह रही हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आप कितनी मासूम कन्या, कहाँ आपकी उम्र और कहाँ उनकी उम्र। Excuse me? प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। बाप कभी मिलेगा शोर कभी, इसका मतलब हमें भी कभी चांस मिल ही जाएगा। मैं समझी नहीं। आप कुछ ना ही समझे तो बेहतर है।
वैसे आपके कितने बच्चे हैं? काट कुत्ते के बच्चे? मेरे बच्चे? अरे मैं तो खुद किसी का बच्चा हूँ। बल्कि ये समझिए कि बेचारे बच्चे कुचे हैं। असली घी खाऊंगा ना, सेट हो जाऊंगा। क्यों अंगूरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? कमाल करता है अलाउद्दीन, तेरी इस खुशी से मेरा क्या ताल्लुक? जाहिर है तुम्हारी खुशी तो बनती ही नहीं है। बनता तो मेरा बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। अब मेरा अंगूरी, ए तू मेरे को हद से कहेगा क्या? अरे क्यों गुस्सा कर रही हो, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। वैसे ही कहना है तो ऐसे भी याद रख, आज तू जिस मुकाम पे ठीक है, लेकिन पहले तू एक कबाड़ी था, गली कूचों में आवाजें लगाता था। बाल्टी पेपर वाला, तीन डब्बे वाला, भूसी टुकड़े वाला। बस करो अंगूरी बस, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला। तो बात सुन मेरी अलाउद्दीन, बच्ची से शादी मत कर और अपनी बच्ची के बारे में सोच। कैसे समझाऊं कि मैं उसी के लिए माल आ रहा हूं, वरना मुझे शादी करने का कहां शौक है? उसी के लिए माल आ रहा हूं तो मैं नहीं जानती, दिल में तेरे लड्डू फूट रहे हैं। अरे मैं सच कह रहा हूं गुरी, बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं किरण ही के लिए शादी कर रहा हूं। हे बाबा अभी बस करना, मैं जानती हूं तेरे को, तू कितना दिल फेंक है, शायदा ने तेरे को कितनी दफा मारा है मेरे को नहीं मालूम। अंगूरी वो मुझ पर शक करती थी, और वैसे भी वो उसका प्यार था। ए अलाउद्दीन तू शादी मत कर, वरना शायदा की रूह आके ना तेरे गले पे बैठ जाएगी इधर आके। ये क्या याद दिला दिया, मैं भी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। हर काम करना, बात याद रखना, उस लड़की से शादी नहीं करना, ये बता दू। हाँ मुझे लगता है कि आप शादी करने में जल्दबाजी कर रही हैं। सॉरी? सॉरी किस लिए? मतलब मैं समझी नहीं, आप होते कौन है मुझे मशवरा देने वाले? एक्सक्यूज मी, मैं इंसानियत के नाते आपको मशवरा दे रहा था। अपने रिश्ते नाते अपनी हद तक रखेंगे तो बेहतर होगा। रिश्ते की तो बात ही नहीं की मैंने, मैं तो आपको समझा रहा था, आगे आपकी मर्जी। अपने मामला पहले ठीक कर ले, फिर दूसरों को मशवरा दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रही हैं आप? अलाउद्दीन ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है। सब बता दिया है? क्या बताया? यही कि दो शादियां की हुई हैं आपने, और दोनों आपके साथ नहीं रहती, आपको छोड़ के जा चुकी हैं। और मजीद शादियों की भी ख्वाहिशमंद हैं आप। है? इतना सब कुछ बता दिया? इतना ही नहीं, और भी बताया, बताऊं? नहीं नहीं रहने दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुल्तान तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए आप कैसे? मैं तो मस्त। वो तो लग रहे हैं। तुम क्यों उदास नजर आ रही हो, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है? हैं सुल्तान? भाई मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इनको कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल, कोई कुछ कह भी नहीं सकता मेरी जान को। हाँ ये बताओ कि ये तुम्हें मेरा एक घर कैसा लगा? आपकी तरह हसीन। अल्लाह वाकई? बस अगर तुम्हें ये घर अच्छा लगा है तो आज से ये घर मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अलाउद्दीन कितने स्वीट हैं आप। मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूँ, आप लोग करें बातें। ठीक सोच रहे हैं आप, और कटने में ही बेहतरी है। कैसे अजीब नमूने हैं इस घर में। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, इनको तो मैं यूं निकालूंगा, यूं 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 यूं। हाउ स्वीट जान। अलमिया अरे काजी साहब जल्दी आ जाइए, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ओहो भाई लड़की राजी है, जब ही तो बुला रहे हैं आपको। हैं? हाँ ठीक है बस जल्दी आ जाएं आप। पापा एक बार फिर सोच ले। नहीं बेटा ज्यादा सोचना सेहत के लिए मुफीद नहीं है, और खास तौर से दूल्हा के लिए। वैसे दूल्हा अंकल इस घर में शादी हो रही है, कोई डांस वांस का सीन है कि नहीं? क्या बात कर रहा है यार, जब घर में शादी है तो डांस वांस तो लाजमी होगा ना। क्यों कबाड़ी साहब? अरे खड़े पानी में पैदा होने वाले कीड़े, कबाड़ी किसको कहा तूने? अरे आपको तो ज्यादा बुरा लग गया, मैंने आगे सांप भी तो लगाया। जरा जबान संभाल कर वरना दीवार से लगा दूंगा। सुन सुन भाई जान, ये आपको लाड़ी नहीं समझ रहे हैं। जान मेरी जान हटो ना यहाँ से।
कैसी लग रही हूँ मैं? तूफान मेरी जान। संभाल के, कहीं ये तूफान यहाँ पे तबाही ना मचा दे। मित्र होना चाहता हूँ। बहरो, हद आदम। अबे ये कौन सी केमाड़ी की सल्तनत का बादशाह आ गया? अरे वो मिठाई कहाँ है? अल्लाह तो इतना काम बढ़ा दिया लेके। मिठाई कहाँ है? अब दोबारा बनानी पड़ रही है। ओ, क्यों? अरे वो चूहे ने मुंह मार लिया था ना। अरे तो ले आती, ये खा लेते। क्या हो गया भाई, इतना गया गुजरा समझा के चूहे के मुंह वाली मिठाइयाँ खाएंगे हम? हाँ, कुत्ते के आगे का होता तो खा लेता। हाँ है। अरे शादी नहीं बर्बादी है ये, शादी नहीं बर्बादी है ये, पहले से काफी आबादी है यहाँ, पहले से काफी आबादी है ये, शादी नहीं बर्बादी है ये, शादी नहीं बर्बादी। बस कोई रुपया नहीं देगा, उल्टा हमसे ले लेंगे, इधर आ जा। ये शादी नहीं बर्बादी है। ये क्या लगा रखा तुमने? ये क्या शादी बर्बादी लगाया हुआ है? सब्र कर, अभी सब बताती हूँ तेरे को। महक? महक? अरे नहीं नहीं, ये महक नहीं, नाजुक है, नाजुक। ए मेरे प्यारे अलाउद्दीन कबाड़ी, ये नाजुक तेरे दिल से खेल गई। अंगूरी, हद में रहो। माना कि इससे अच्छी महक आती है, लेकिन ये महक नहीं है, नाजुक है, नाजुक। अच्छा, जरा बताना महक, सही कह रही है? जानू, ये औरत क्या बोल रही है? ए सबर, एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। तो आईजी कब आएगा पता नहीं, चोर भी चोरी करके चला। चले, इधर आ, इधर आ। अजमल तुम? अजमल तुम? क्या तुम इसे जानती हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती, मुझे तो नाम भी नहीं पता। अरे अभी तो नाम लिया तुमने। अलाउद्दीन, अपनी छोटी आंखें खोल और अपने दिल को बाईपास करके जरा दिमाग से काम ले। अरे अंगूरी, ना मेरा दिल काम कर रहा है ना दिमाग, बल्कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। ओगल्ला, बता अपने गैंग का नाम। गैंग? हाँ हाँ गैंग। तुम्हारी बचत होगी अलाउद्दीन, ये गैंग सोशल मीडिया पर काफी अरसे से अधेड़ उम्र लोगों को टारगेट कर रहा है। अधेड़? लेकिन मैं तो जवान हूँ, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता था अगर अंगूरी हमें पहले इन्फॉर्म ना कर देती तो। अंगूरी माँ, आपको इस लड़की के बारे में कैसे पता चला? तुम लोग मेरे को हल्का लेते हो, हालांकि मैं हल्की नहीं हूँ, अभी बताती हूँ। हाँ बेफिक्र हो जाओ तुम, बुढ़ा घर तो मेरे नाम कर ही रहा है, बाकी सारी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता हमें मिल ही जाएंगी, बस तुम देखते जाओ महक का कमाल। हाँ हाँ, इंसान कर लिया उसका भी मैंने। ले जाओ उसे, मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो ये गरीब ले जाए इसे। अरे मुजाहिद हल्का हो जा, हर मौके पे मजाक अच्छा नहीं लगता। और करे शादियाँ, इस लड़की के खाते अपनी सगी औलाद को आप रुसवा कर रहे थे। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें वाकई में बंद हो गई थी। और दिमाग भी। भागो अजमल। खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना, गेट पे सुल्तान खड़ा है। शाबाश मेरा सुल्तान चीता, गेट वहाँ है, यहाँ खड़ा है, मैं तेरे को इंशाल्लाह सिक्योरिटी की नौकरी दूंगी। ए आई जी, ले जा इन दोनों को। चलो जान, तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हारी जान जेल में चक्की पीसी होगी? हाँ बोलो, बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, तंदूर से रोटी मंगा के खा लियो कबाड़ी। नहीं नहीं नहीं, ले जाओ इसे।